तो आज दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह क्या है बता सकते हैं? आज नरेशन चालू है, बहुत शानदार टॉपिक है। तब तो यार ये टॉपिक अंग्रेजी को लिखने में, बोलने में, सुधारने में, ग्रामर में, अगर आप नरेटर भी बन जाते हैं तो नरेटर से भी आपका लगभग लाख रुपए से इनकम महीने का ले सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता है। अगर नरेटर भी बन जाते हैं तो काफी संशोधन करने का। जो नरेटर है देखिए आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है अच्छा खासा, खाली नरेटर बनकर। तो इसी के सिद्धांत पर दोस्तों आज जो अपना टॉपिक चलने वाला है वह है नरेशन। क्या चलने वाला है दोस्तों? नरेशन जो अंग्रेजी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, यह अंग्रेजी को बूस्ट कर देता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर लेवल में जो है वो तो है ही है, लेकिन SSC का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रीजनिंग, किसी भी बैंक का तैयारी कर रहे हैं, वहां पर यह तो 25 नंबर का टोटली पूछा जाता है। कितने नंबर का? 25 नंबर का केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए दोस्त, है तो बहुत ही आसान, एक बार थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है? तो दोस्त अगर जहाँ पे हमारी बातें आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पर करिए सर स्टॉप लगाइए, मुझे ये बातें समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से रिकॉल करिए, ठीक है? फिर से समझाने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत? तो चले हम लोग आगे एक तरफ। थैंक यू दोस्त, आते हैं अपने बात पर। नरेशन के नाम से ये जाना जा रहा है, नरेट करना, नरेट करना। नरेट करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बात, किसी व्यक्ति की बात। जो हम आपको ये बातें आ रहे हैं यहाँ पे समझाए हैं, ये हमारी बात जो आप लिखेंगे किसी के सामने जाके कहेंगे सर ने ऐसा ऐसा बातें बताया है, तो हमारी बातें एडजेक्टिव रखेंगे तो वो सोचेगा कि लग रहा है हम ही बोल रहे हैं, वहां पे जैसे लगेगा कि आप बोल रहे हैं। उसकी बात अपने शब्दों में बोलिए भाई, उसकी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि ये ऐसा होता तो आप कहेंगे सर ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। आप करते हैं कि सर करते हैं? ऐसा सर करते हैं, तो सर के अनुसार बातें चेंज होना चाहिए कि नहीं भाई साहब? लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर ने मुझसे कहा कि मैं फल लाता हूँ, मैं फल लाता हूँ, तो आप अपनी बात जाके उससे कहेंगे सर ने मुझसे कहा मैं फल लाता हूँ, ऐसा बोलेंगे? सर ने मुझसे कहा कि वो फल लाते हैं। उस बात को ज्यों का त्यों न रखकर अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। ज्यों का त्यों वही बात को एक्सप्रेस कर देना ही डायरेक्ट कहलाता है। आइए इसी शर्त पे दोस्तों अपनी बात, ये हमने बताया कि एक लड़का है, अगर ये फिगर से समझ में आ जाए तो बेटर है। भैया साहब ये एक लड़का है मेरे भाई और ये एक लड़की है, क्या है मेरे भाई? यह एक लड़की है। लड़का ने लड़की से बोला, ये लड़का मान लीजिए आकाश है भाई। कौन है? आकाश है और इधर लड़की जो है रानी है। कौन है भाई? रानी है, ठीक है ना? आकाश ने रानी से कहा, आकाश ने रानी से कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा बैठकर ये सुन रहा था, वह है तीसरा व्यक्ति कर्नल। ये कर्नल सुन रहा था भाई, ठीक है? ये कर्नल हमारे साहब सुन रहे थे और क्या सुन रहे थे? इनकी बातों को। जो आकाश बोल रहा था किस लड़की से, आकाश बोल रहा है कि लड़की से मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो ये इन्होंने सुना, इनसे बात पचा नहीं और ये जाकर अपने दोस्त शुभम भाई से बोल दिया। इन्होंने अपनी बात जाकर किससे बोल दिया? शुभम भाई से। शुभम ने बोला आकाश ऐसा बोल दिया, तो जाकर आकाश बोलेगा ये कर्नल साहब और शुभम से बोल दिए। क्या बोल दिए भाई? क्या बोले कि आकाश ने रानी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो भैया ऐसे अगर बोलेंगे कहेगा तुम प्यार करते हो, अरे वो तो कहा था तुम लेकिन करते हो, बात गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसकी बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, इसी शब्द को बोलने के लिए। मेरे भाई ये डायरेक्ट था, इनके बीच जो वार्तालाप हुआ ये डायरेक्ट हुआ, ये अपना प्रोसेस जो कहलाएगा इसे कहते हैं डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट में होता क्या है? स्टेटमेंट। ये हम लोग जो बोल रहे हैं यहाँ से क्या जा रहा है मेरे भाई? स्टेटमेंट। क्या जा रहा है? स्टेटमेंट। बात समझने का प्रयास करें, स्टेटमेंट का मतलब होता कथन, वाक्य, शब्द, जो हम बोलते हैं कुछ भी वह कहलाता अपना स्टेटमेंट। क्लियर है भाई सबको?
तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति इससे बोल रहा है वही बात ही क्या कहलाता है नरेशन। और इस बात को एक्सप्रेस करने का तरीका अपने पास है, दो तरीका है। एक तो हम जो व्यक्ति वो बोला है एडजेक्टिव लिख दे, या जो वो व्यक्ति बोला थोड़ा सा उसमें परिवर्तन शुद्धतम लाके थोड़ा सुंदरता उसका बढ़ा दे। जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल महिला होती है उसकी सुंदरता नहीं हो तो ज्यों का त्यों ऑलरेडी है, ये है डेली अपना जीविका चला ही रही है ना। लेकिन एक दिन वही देखेगा मैरिड के समय उसका सुंदरता काफी बढ़ा दिया जाता है। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? क्यों बढ़ा दिया जाता है भाई? ताकि उसकी सुंदरता और काफी चरम सीमा पर हो जाए, ताकि दिखने में सुंदर लगे, सबको सबको अट्रैक्ट कर सके, ताकि लोग देखे कि नहीं हाँ सच में ये रियलिटी वाली चीज है। तो क्यों करवा रहे हैं सब? सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो जो करते हो तो ऐसे चीजें था, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर केस पे लगाया गया। यहाँ पे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये चीजें यहाँ पे खड़ा करेंगे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। हमने वही चीज किया कि अलग किया? तो अपने पास दोस्तों अंग्रेजी में क्या करोगे, अंग्रेजी में शब्दों के जरिए खेलना पड़ता है। किसके जरिए? शब्दों के जरिए। तो हम यहाँ पे जो नरेशन में खेलेंगे अंग्रेजी की सुंदरता बढ़ाएंगे, वो किसके शब्दों से बढ़ाएंगे दोस्तों? कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए से हम इस नरेशन का शोभा बढ़ाएंगे। तो चले अब आगे। तो ये जो कर्नल साहब थे और शुभम से बोला, इन्होंने वह रानी से प्यार करता है, वह उससे प्यार करता है। तो अब मैं तो नहीं बोलेंगे, मैं लगाना गलत हो जाएगा ना भाई साहब। उसी बात को हमने एक्सप्रेस किया, ये था दोस्तों डायरेक्ट, ये क्या था मेरे भाई साहब। और ये बात जो यहाँ पर इन्होंने इससे बोला, ये मेरे भाई क्या हो गया? इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में आया क्या? अब इसी कड़ी को हम लिखना चाहेंगे, इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे। टोटल इंग्लिश रहेगा मेरे दोस्त, जहां भी आपको प्रॉब्लम होता तुरंत पूछना। हिंदी भी लिखवा दे, हिंदी मत लिखवाना यार, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ना, नहीं तो फिर दशा खराब हो जाएगा। आइए वैसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। क्या ये डायग्राम आपको थोड़ा सा इंडिकेट किया, हल्का सा ये इंडिकेट किया कि नहीं? क्योंकि अगर हमने जितना भी ये इंडिकेट किया है जो यहाँ पे लिखा है, यही टोटली बात अपना इंग्लिश में रहेगा, टोटली बात जाएगा इंग्लिश में कन्वर्ट करके। बोलिए चले आगे क्या? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नरेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो सीधा सीधा बोलना इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है मेरे भाई? स्टेटमेंट कहते किसे है? मतलब अभी यही समझाए कि हम कुछ भी जो बोलते हैं, किसी की बात जो बोला जाता है वह कहलाता अपना स्टेटमेंट। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से एक साथ। डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसी को बोला जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसी को बोला जाता है मेरे भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसी शब्द को बोला जाता है। अब आपको जहां तक उम्मीद लग रहा है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम चाहे तो इसे नरेशन बोले, चाहे तो स्टेटमेंट बोले, और चाहे तो क्या बोल दे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किस नाम से पुकारा जाए आप ही बताइए? नरेशन के नाम से। तो ठीक है, अब यहां से हम आपको ये चीजें समझाना चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट होता क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस डायरेक्ट को। डायरेक्ट किसे कहेंगे, डिफाइन करना क्या आसान है या कठिन है? बताओ, लिखना शुरू कर दिया जाए। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं दोस्त, ये जो डायरेक्ट का डिफिनेशन आप लिखेंगे, आप रट्टा मार के मत लिखना, क्योंकि हमने जो बोला है वही चीज लिखना है आपको। मतलब अगर स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी शब्दों का ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर रख देते हैं, किसके अंदर रख देते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर रख देते हैं तो वह बात कहलाएगा दोस्तों डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हम यहां पे लिखना चाहेंगे द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन इनवर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मैंने कुछ बड़ा चीजें नहीं बोला दोस्त, मैंने क्या समझा दिया आपको,
द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन इनवर्टेड कॉमोज इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, एक बार समझने का प्रयास करना। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा जो डिफिनेशन बनाया गया है, ठीक है ना। ये डिफिनेशन कहीं अलग से नहीं, यही बात इसने अपनी बात को इससे कहा है और इसकी बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए यह इन्वर्टेड कामा के अंदर। देखो भैया ये इन्वर्टेड कामा नहीं है, इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरह से नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग फटाक से ऐसे बना लेते हैं। सही बात है कि गलत बात है, तो सुविधा ही तो खोजते हैं। तो ध्यान रखना ये इन्वर्टेड क्या है बताइए, कामा है कि कामाज है? कामा है, यह इन्वर्टेड कामा है और यह इन्वर्टेड कामाज है। इन्वर्टेड देखो एक है कि दो है, तो कामा की कामाज, कामा की कामाज, यहाँ कामा और यहाँ कामाज, ठीक है। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपनी बात लिखा जाएगा इसी बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, हल्का सा। कैसे भाई साहब? हल्का सा एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें आकाश, आकाश सेड टू रानी, कामा इनोटेड कामा में आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई भी बात लिख दिया जाना दोस्त, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये बात लिखा गया और आपसे बोला जाए कि ये बात जो है अपना लिखा गया, ये दोस्तों इसने इससे कहा है, ठीक है ना। असली बात जो रिपोर्टेड स्पीच नरेशन का है कहां से है, ये वाली बात है। और ये वाली बात को ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात लिखा गया है अगर ज्यों का त्यों रख दिया गया है, ऐसे वाले फंक्शन को बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। अर्थात ये जो अपना पार्ट बनेगा ये पूरा, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं मेरे भाई साहब? इसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बोलो बात समझ में आया क्या? कुछ इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर इसी बात को हम ज्यों का त्यों ना लिखकर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर ले, क्या कर दे भाई साहब? पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं, शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं, तो जो शब्द में परिवर्तन कहलाते हैं मेरे भाई साहब, वह कहलाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आकाश, आकाश टोल्ड रानी दैट ही वाज गोइंग टू ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ रहा है दोस्त, ये वाला जो पार्ट होगा यह कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जो बात, स्पीच का मतलब भाषण होता है, बोल होता है, नरेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसी का मतलब है। नरेशन का दूसरा नाम नहीं समझ में आ रहा है, स्पीच के नाम से बोलना मेरे भाई। चौथा नाम भी लिख दिया, इसका नाम चार्ट हो गया। अब एक नरेशन बोलिए, स्टेटमेंट बोलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलिए, अगला क्या बोलिए मेरे भाई? स्पीच बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? तो स्पीच मतलब भाषा, भाषण, जो बोल रहा है, ठीक है ना। चचर नाम लिखे हैं, कोई इसमें से कोई एक भी पढ़ाता कर रहा है? चलो आज आपको स्टेटमेंट पढ़ाते तो समझ में आ जाएगा क्या पढ़ाने वाला है। बोलेगा चलो स्पीच पढ़ाते हैं तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा कि नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तो बताओ हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन किया कि नहीं किया? जो परिवर्तन करते हैं वही इनडायरेक्ट कहलाता है। तो इनडायरेक्ट मेरे भाई साहब आपको अगर लिखना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट स्पीच था, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है मेरे भाई? इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच लिखना पड़ेगा, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर यूज्ड। अब यहाँ पे जो यूज्ड हो रहा है एडजेक्टिव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखना चाहेंगे मेरे भाई साहब, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड इन द parts
इन द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच बट नॉट चेंज ऑफ मीनिंग इन द सेंटेंस लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए मेरे भाई। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे भाई कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जो वक्ता की बातें है, जो स्पीकर का बात है, वह ज्यों का त्यों न रखकर उसके कुछ बातों में चेंज किया जाए और चेंज जो कर रहे हैं वह सेंटेंस का भाव ना बदले, जो भाव पहले था वही भाव अभी भी आना चाहिए। ऐसे प्रकार का जो परिवर्तन होके निकल के आता है, नया सेंटेंस बन के आता है, वह कहलाता है मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत यहां तक? तो वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड। स्पीकर की बातों को क्या किया जाता है? बदला जाता है इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहां पे? जो दिया गया, यानी कि हर वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पता है कि नहीं? उस वर्ड्स में जो परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? रिमेनिंग सेम। क्या होना चाहिए? रिमेनिंग सेम, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा मेरे भाई साहब? इनडायरेक्ट होगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा तो वह इनडायरेक्ट नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट, यहां तक अभी हमने आपको समझा पाया, क्योंकि मेन पार्ट होता ही है क्या होता है डायरेक्ट। यह एग्जांपल इसके नीचे चढ़ा लेना आप लोग, ठीक है ना? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड। एक्चुअल वर्ड जो रहेगा, एक्चुअल ही कहोगे ना, सच वाली बात जो है बोला है, फीलिंग आएगा थोड़ा सा। ट्वीट कर रहे हैं और इसका पिक्चर एक शब्द में विजुअलाइजेशन कराने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि ये चित्र आपके मन में बैठ सके। अपना ये जो टॉपिक चल रहा था वो नरेशन चल रहा था। क्या चल रहा था मेरे भाई? नरेशन चल रहा था। आपसे पूछा जाए नरेशन क्या होता है, तो आप जवाब देंगे द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, ये बात अपना पता चल गया कि एक नरेशन होता है, जो एक्चुअल शब्द होता है वह क्या होता है भाई साहब? वही नरेशन कहलाता है। इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। ये जो नरेशन होता है, जो एक्चुअल शब्द होता है स्पीकर का, किसका भाई साहब? क्या स्पीकर बात समझ में आता है? हम जो बोल रहे हैं आपसे, हम स्पीकर हो गए, ठीक है ना? और आप क्या हो गए? लिसनर हो गए। तो हम स्पीकर और आप क्या हो गए? तो हम आपसे अपनी बात कर रहे हैं और आपके सामने, तो हमारी बात आपके सामने डायरेक्ट जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा बात? कन्वर्सेशन। हाँ ठीक है। इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं मेरे भाई डायरेक्ट स्पीच के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? डायरेक्ट स्पीच के रूप में यूज करते हैं। और दूसरा होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में यूज करते हैं। आज इसका बेसिक बता रहे हैं, बेसिक समझने का प्रयास करिए। बेसिक मजबूत होता है तभी अपने को समझ में आता है कि ये पार्ट में कहना क्या चाहता है। तो हमने क्या बता दिया? जितना भी पढ़ा है बताओ एक लाइन में, यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटिंग है, ठीक है ना? तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आपको समझाया कि इसके द्वारा शब्द जो बोला जाता है स्पीकर के द्वारा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ज्यों का त्यों रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसकी बातों को ज्यों का त्यों न रखकर क्या कर दिया जाए? पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज किया जाए और मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो, तो फिर मेरे भाई वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या समझ में आ रहा है? यहां तक बात अगर पच गया होगा, आते हैं इसके अंदर।
थोड़ी सी बात यह कर लेते हैं, कौन रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कौन रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना। इसको भी बात करना चाहिए क्योंकि एग्जांपल आपके सामने लगा हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहेंगे मेरे भाई, एक बार यहाँ गौर करना क्या लिखा गया था। आकाश आकाश सेटो रानी आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ। कौन बोला ऐसा? आकाश बोला। किससे बोला है? रानी से। बराबर क्या बोल रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। तो यहाँ पे बोला था उस समय जमाने की बात है, पहले उसकी बात, उसने ये बोला था। लेकिन अगर अब लिखना पड़ेगा तो भैया वो तो पास्ट में था, अब तो कहाँ लिखेंगे, पास्ट में ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। उस समय जब ये बोला था तब तो सही समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है ना पास्ट में, और वही पास्ट की बातों को सही से लिख दीजिए। यहाँ देखो प्रेजेंट में है, यहाँ पास्ट में बात कैसे, तुला बराबर है, तुला बराबर में एक तराजू नीचे है तो एक तराजू ऊपर है, इसी स्टेटमेंट को बराबर कर देना ही क्या कहलाता है, नरेशन। और वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो मेरे भाई इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। असलियत में रिपोर्टिंग वर्ब तो यही होता है, यही रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने वाला यह है, किससे रिपोर्ट कर रहा है, किसी व्यक्ति से। कौन सी रिपोर्ट करने वाली बात है, यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट जो होते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, बोलो सही समझ में आ रहा है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच बोलिए क्योंकि, या रिपोर्टिंग वर्ब बोलिए, बात समझ में आ रहा है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है, जो मुख्य भाग होता है, जो बोलता है, जो हम आपसे बोले हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो मैं किससे कहा, आप लोगों से कहा मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, यही बात ही नरेशन होता है। क्या होता है भाई साहब, असली भाषा तो यही है ना। तो इस वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इसलिए आसान तौर पे समझाने के लिए लोग ये पुकारते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, बाकी इन्वर्टेड कॉमा वाले अंदर को पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? देखो टाइम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ेंगे तो अपना फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर बातें नहीं समझ में आ रहा है तो स्लो रहेगा तो भी सही है, लेकिन ज्यादा स्लो मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, खत्म नहीं हो पाएगा। अभी पढ़ाना बहुत चीजें है, समझाना बहुत चीजें है, ठीक है ना। उधर अपने को खत्म भी करना है, उधर आपको समझाना भी है। अगर खत्म भी कर दिया, नहीं समझ में आया, तो पढ़ाने से कोई फायदा है होगा क्या? तो भी कोई फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा तो नहीं पढ़े होते तो भी सही रहता, अपना समय भी बचा होता और पैसा भी बचा होता, बस दोनों सही आ रहा है ना। तो पढ़िए तो समझ के पढ़िए ना, दोनों काम हो जाए। स्लो मोशन में चलिए, लेकिन उतना स्लो मोशन मत करवा देना कि सब गड़बड़ हो जाए। हाँ, चमकती है दुनिया चमकाने वाला चाहिए, जब चमकाने वाले के अंदर हौसला होगा तभी चमकाएगा। मंजिल तो मिलती है लेकिन एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मंजिल तो मिलती है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जब एक दिन का हौसला रखेंगे तब एक दिन का चाहत होगी, तो एक दिन कंटिन्यूस प्यार तो होता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। पढ़ाई तो होता है लेकिन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। डॉक्टर तो बनते हैं एक दिन में नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन जरूर बन जाते हैं। क्या मेरे भाई साहब, इंजीनियर तो बनते हैं एक दिन में नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन जरूर बन जाते हैं। बुद्धिमान बनते हैं एक दिन में तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन जरूर बन जाते हैं। देर है पर अंधेर नहीं है, देर करते नहीं देर, प्यार करते नहीं प्यार, हो जाता है कि हो जाती है। तो आइए चलते हैं अभी इस नरेशन में, हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई साहब, इसमें कुछ और नहीं। सबसे पहले चार कड़ी पर, चार सिकंजा पर मेहनत करते हैं। कितने सिकंजा पर?
चार सिकंजे पर मेहनत करते हैं, चार सिकंजा अगर आपका मजबूत हो गया ये पूरा नरेशन तक लेके जाएगा आपको। कहां तक लेके जाएगा? पूरा अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक ये चार सिकंजा आपको हाथ में हमेशा लेकर चलना है। चारों में से एक को कमी हो गया वही गिरोगे धड़ाम, उसे नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है ना। इस चार सिकंजा को अपने साथ में रखना है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप मुझे इतना बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आप कर्नल जी बताइए मुझे, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कौन कौन से। मेरे भाई आपने ये स्ट्रक्चर के आधार पे बोला है, बहुत अच्छा। देखो भाई अगर वो जो बात बोला उन्होंने सही बोला है, सिट डाउन, थैंक यू। उन्होंने जो बोला सही बात बोला है कि सेंटेंस तीन भी प्रकार के होते हैं, सेंटेंस पांच भी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फाइव टाइप्स, फाइव सेंटेंस कितने प्रकार के, फाइव टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार जो सेंटेंस होते हैं वह पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए, स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कहीं इसमें गुमराह मत हो जाना, गुमराह तो नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू सेंस हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारी भाव क्या है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस की बात करें, यस एन टी ई एन सी ई, आपको थोड़ा सा इसको लिख लो ये बातें कि इसको दो प्रकार के होते हैं और होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, यस ई एन यस ई, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो हमने बोला सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस भाव के अनुसार, भाव के अनुसार जो बोला जाता है ये पांच प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ये देखा जाए इसकी तादाद ये पांच होते हैं, टोटल इसकी तादाद कितनी होते हैं। और इसको दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे अकॉर्डिंग टू दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार तो ये तीन प्रकार का, आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत है, सब बोलने का दिक्कत है, मतलब जब बोलोगे तभी आएगा और नहीं बोलोगे तब तो दिक्कत उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है ना। आपको याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद करोगे मेरे भाई, अंग्रेजी याद करोगे, फिजिक्स याद करोगे, ग्रामर याद करोगे, का याद करोगे, एक विषय है तो काइट हो तो याद करने वाला चीजें नहीं होता, समझा जाता है, एक बार समझने का प्रयास करिए। तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, भाव के अनुसार पांच और स्ट्रक्चर के अनुसार, रूप के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा पांच तो होते हैं लेकिन वो पांचों कौन कौन से है मेरे भाई, आइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने पास पहला है असर्टिव या सिंपल के नाम से जाना जाता है, असर्टिव, ए डबल एस E-R-T-I-V-E, assertive sentence, कौन सा sentence मेरे भाई साहब, assertive sentence हो जाएगा। और दूसरा अगर बोले दोस्तों तो वह है I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E, interrogative sentence होता है। तीसरे की बात करें दोस्तों imperative होता है, I-M-P-E-R-A-T-I-V-E, imperative sentence होता है। चौथे की बात करें दोस्तों वह होता है optative सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिख लेना सब में मेरे भाई, सेंटेंस पढ़ाई रहे हैं, सेंटेंस पढ़ाई रहे हैं, सेंटेंस पढ़ाई रहे हैं, सेंटेंस पढ़ाई रहे हैं आपको। तो अगला क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ई एक्स सी एल ए, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखना, सब बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे चले तो इसके अनुसार देखा जाए दोस्तों जो अपने पास निकल कर आते हैं वह है अपने पास पे, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस मेरे भाई साहब, एक होता है सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। और अगले की बात करें दोस्तों वह होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
अपने पास तीन प्रकार के इधर से निकल कर आते हैं और पढ़ना सबको है, समझना सबको है और डेली जीवन में बोलते भी हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, शुरुआत हम लोगों का जो होगा दोस्तों यहाँ से होगा। कहाँ से होगा? क्योंकि ये पांचों पर कमांड करना, पांचों पढ़ाई करना है, ध्यान देना। जो आप पढ़ने जा रहे हो वह पढ़ाई जो करने वाले हो, स्टेटमेंट जो पढ़ने जा रहे हो, नरेशन पढ़ने जा रहे हो, पहला आपका लगने वाला है इसमें असर्टिव। असर्टिव क्या लगने वाला है? उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव पर, उसके बाद बात करेंगे। तो हम शुरुआत यहीं से करें, है ना दोस्त? तो शुरुआत यहाँ से करेंगे तो घबरा मत जाना कि और बाकी वाले पार्ट के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करेंगे सबके ऊपर। ठीक है, तो संदेश कितने प्रकार के होते हैं आपको पता हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई संदेह तो डिलीट किया जाए। चलो वह चार सिकंजा में से पहला सिकंजा उठाया जाए दोस्त, पहला सिकंजा उठा दिया जाए। चलिए पहले सिकंजे पर हम लोग बात करते हैं। वह चार सिकंजा कौन कौन सा, पहले उस चार सिकंजा का नाम नोट कर लीजिए। ठीक है ना, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नरेशन, लिख लो सम बेसिक प्रॉपर्टीज। हेडिंग है, इस हेडिंग के अंतर्गत चार हेडिंग लगाने वाले हैं। ठीक है ना, सम बेसिक ऑफ नरेशन। ठीक है, पहले सिकंजे की ओर चलते हैं मेरे भाई। सम बेसिक प्रॉपर्टीज है और किसका है? वह नरेशन का है। नरेशन में कुछ महत्वपूर्ण गुण की बात करेंगे, वह प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है ना, जो कहलाएगा। सबसे पहला अपने पास आता है दोस्तों टेंस। क्या आता है मेरे भाई साहब? टेंस। पहला क्या आएगा? टेंस। टेंस परिवर्तन कब करोगे? ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस की बात करेंगे तो यह टेंस में कहां चेंज होगा? चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पहला दोस्त यही लगा आपके कड़ी। देखो मैंने क्या लिखा, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। कब करते हैं वो चीज आपके इसके अंदर बताया जाएगा। कहां का करते हैं भैया? पहले ये पॉइंट लिखा है, सिकंजा है। ठीक है ना दोस्त। और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, वह है चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का। ए भाई, रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा है क्या? रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ रहा है क्या? इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला फीलिंग आना चाहिए। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो एक घर के अंदर बंद है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो बाहर ससुरा खेल रहा है उसे क्या बोल देना आराम से? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को। अपने घर में तुम कैसे भी रहो, मुझे क्या लेना देना है? तुम घर में कुछ भी लिखो लेकिन सही रहना, बाहर करोगे तो फिर कुटा जाओगे। जो भी बदमाशी करना अपने घर में, ठीक है? हाँ, तो वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। तीसरा पार्ट किसके ऊपर ध्यान देंगे मेरे भाई साहब? सम अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ अदर शब्द का प्रयोग करते हैं अगर ये चेंज कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? बदलना पड़ता है। वह शब्द जैसे नजदीक है तो दूर में क्या जाएगा? ये नजदीक वाले शब्दों को हमेशा क्यों दूर? पास्ट में बात कर रहे तो उस समय नजदीक था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो वो बात कहाँ का है? दूर का है ना। तो दूर का है तो अपने पास वह शब्द कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? दूर ले जाना पड़ेगा। दिया रहेगा उसमें नजदीक तो आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? जैसे दिस है तो कहाँ पे ले जाओगे? दैट में ले जाओगे। एगो है तो बिफोर में ले जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो यही सब छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो छोटी छोटी बातें किया जाएगा। ठीक है, तो यार चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट अपने पास दोस्तों हुआ होता है प्रोनाउन।
क्या होता है मेरे भाई साहब, प्रोनाउन। बस ये चार पॉइंट के ऊपर, और पांचवा पॉइंट अगर लगाना है वह है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब जो जोड़ा जाएगा, दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। यह बात यहाँ पे था और यह बात अलग, रिपोर्टिंग वर्ब भी यहाँ अलग लिखा गया है और रिपोर्टेड स्पीच इधर अलग है। इन दोनों को सटाया जाएगा, समझौता किया जाएगा। एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में समझौता तब होगा जब कुछ शर्त रखा जाएगा, तब शर्त के मुताबिक वह शर्त, भैया कुछ तो कापी कलम आएगा कि नहीं आएगा, लिखा पढ़ी होगा कि नहीं होगा, वह लिखा पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कंजंक्शन। क्या है मेरे भाई, वह कंजंक्शन है। इसी कंजंक्शन के अनुसार हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहला अपने पास आएगा टेंस। क्या आएगा मेरे भाई साहब, टेंस आएगा। चालू कर दिया जाए टेंस की रोक दिया जाए, रोक दिया जाए ना, क्योंकि और भी अभी पढ़ना है विषय, कि एक विषय पढ़ते पढ़ते दीवाना हो जाएंगे। जितना प्रेजेंट है पूरा पास्ट में जाएगा, सबको पता है, लेकिन वह प्रेजेंट आप जानते हैं उस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके लेके चलेंगे हल्का, ठीक है। तो बाकी कल के लिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर लगाया जाए लगाम, स्टॉप।